इस क्लास में बात करते हैं होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन को टेस्ट कैसे किया जाता है, होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री कैसे निकाला जाता है, इन सभी टॉपिक की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे हम यूलर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वहां के लिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो तो चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, कोई भी एक फंक्शन है, मान लेते हैं एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में दे रखा है, एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो क्या कुछ यक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर यक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं छोटे टर्म से। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसके अंदर अलग अलग टर्म दिए हो और अलग अलग टर्म का जो पावर हो वो क्या हो, सेम हो, उस सिचुएशन में वो फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। बस यही टॉपिक, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, बस इतना ही नोट कर लो और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बस फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर अलग अलग टर्म दे रखे हैं और सभी टर्म का पावर क्या हो, सेम हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। और जो पावर होता है वही क्या है, उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री बन जाता है। बस इतना ही टॉपिक था। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई लिखा है मतलब वाई के पावर वन है, तो यहाँ पे पावर कितना है, थ्री है। वाई स्क्वायर एक्स मतलब एक्स का पावर वन है, यहाँ पे पावर कितना है, थ्री है। मतलब दोनों टर्म का, ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, दोनों टर्म का डिग्री सेम है, सॉरी दोनों से टर्म का पावर सेम है, तो ये क्या बन गया, एक होमोजेनियस फंक्शन बन गया। अब इस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री क्या होगा, थ्री के बराबर। जो पावर होता है वही क्या हो जाता है, डिग्री के इक्वल बर हो जाता है। ठीक है, तो बस यही टॉपिक था हमारे पास, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसा बुक में दे रखा है, थोड़ा सा वो भी काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बुक में क्या दे रखा है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स कमा वाई, जिसको उन्होंने ए नॉट प्लस ए वन एक्स के पावर एन प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर ए नॉट एक्स के पावर एन दे रखा है शायद। ठीक है, चलो जैसा उन्होंने दे रखा है हम भी वही उसी फॉर्म में कर लेते हैं, प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन वाई के पावर वन प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर एन माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और क्या होगा, कहीं पे आएगा ए के बेस में एन माइनस वन और एक्स के पावर, देखो जब भी क्या होता है यहाँ पे जीरो यहाँ पे एन, वाई का पावर कितना है, जीरो, इसलिए उसको हटाया दिया गया था। ठीक है, जब भी यहाँ पे वन होता है तो यक्स में से उतना कम होता है, यक्स का स्टार्टिंग में हाईएस्ट पावर कितना था, यन था, फिर उसमें से एक कम हुआ, अभी हमें ए टू की बात कर रहे हैं तो यक्स में से टू कम हुआ, ए थ्री की बात करेंगे तो यक्स में से थ्री कम होगा, तो अगर हम ए के पावर यन माइनस वन की बात कर रहे हैं तो यक्स में से क्या होगा, यन माइनस वन कम होगा, मतलब क्या, यन माइनस वन होगा। तुम देखो ब्रैकेट को ओपन करो तो यन माइनस माइनस कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, सिंपली एक्स बचेगा, और जो भी बेस में रहता है वही क्या, वाई के पावर में जाता है। ए के बेस में जीरो है तो वाई के पावर जीरो गया, वाई के पावर जीरो मतलब वन था उसको हटा ही दिया, ए के बेस में वन है तो वाई के पावर में वन गया, ए के बेस में टू है तो वाई के पावर टू गया, तो ए के बेस में एन माइनस वन है तो वाई के पावर में क्या जाएगा, एन माइनस वन जाएगा। चलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ बड़ा नहीं है, जो हमने बचपन से मैथमेटिक्स सीख रखी है उसी के टर्म से क्या किया, एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो एम एन माइनस वन वाला हो गया, तो फिर क्या ऐसा ही ए एन वाला टर्म, एनथ वाला भी टर्म होगा, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या था, ए के बेस में एन माइनस वन था तो एक्स के पावर में वन बचा, अब यहाँ पे ए के बेस में एन है तो क्या होगा, एक्स के पावर में एन माइनस वन मतलब क्या, जीरो, मतलब एक्स के पावर जीरो मतलब क्या, वन हो गया, और वाई के पावर में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हो गया, मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई के अंदर, तो हमको पहले चेक करना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, बुक का लैंग्वेज यही होता है, बोरिंग, इसलिए आपको पहले समझा दिया कि होमोजेनियस होता क्या है। बुक में देखोगे ना तो ऐसा वो समझाएंगे ना कि हमेशा बोरियत लगेगा कि लिख क्या दिया है, ये पल्ले का ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सभी टर्म का पावर चेक करते हैं। तो पहले देखो इस वाले टर्म के अंदर एक्स के पावर एन है, मतलब पावर कितना है, एन है, यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सभी क्या है, कॉन्स्टेंट है, हम पावर किसका चेक करते हैं, वेरिएबल का चेक करते हैं, ये बात क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इस वाले टर्म के अंदर एक्स के पावर में कितना है, एन माइनस वन, y के पावर में 1 है, मतलब यहाँ पे भी पावर n के बराबर है, और यहाँ पे x के पावर n माइनस टू, y के पावर 2, मतलब यहाँ पे भी पावर n के बराबर है, यहाँ पे देखो x के पावर 1, y के पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पे भी पावर n के बराबर है, यहाँ पे भी पावर n के बराबर है। कहने का मतलब सभी टर्म का, इस फंक्शन के अंदर जो अलग अलग टर्म दे रखे हैं सभी टर्म का पावर सेम है, तो ये फंक्शन एक्स कॉमा वाई क्या बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया। क्या बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया, जिसका डिग्री कितना होगा, डिग्री इसका
एन के बराबर होगा, क्योंकि जो पावर होता है वही क्या बन जाता है, होमोजीनियस फंक्शन के केस में डिग्री बन जाता है। तो क्या देखा हमने, कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अगर उसके अंदर अलग अलग टर्म है तो अगर सभी टर्म का पावर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, जिसका डिग्री कैसे निकलता है, उसी पावर के हेल्प से निकलता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, और जो भी पावर है, क्योंकि देखो हमको क्या करना है, पावर चाहिए, पावर की हेल्प से ही डिग्री पता चलेगा किसका, होमोजेनियस फंक्शन का। और क्या है, हम हर जगह हर बार बार चेक नहीं कर सकते कि हाँ इसका पावर एन है, इसका पावर एन, इसका पावर एन, इसका पावर एन, तो हाँ होमोजेनियस फंक्शन है। अब क्या करेंगे, जो एन दे रखा है वही डिग्री मान लेते हैं, तो ऐसा बार बार तो नहीं कर सकते चेक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक्स के पावर एन को हर जगह से कॉमन निकाल लो। ठीक है, एक्स के पावर एन को हर जगह से कॉमन निकालो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स के पावर एन कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, ए नॉट बचा, यहाँ पे क्या है, ए वन है, और कितना है, एक्स के पावर में एन माइनस वन पहले से था, तो हमने क्या कर लिया, एक्स के पावर एन कॉमन निकाल लिया। तो एक्स के पावर एन कॉमन कैसे निकलेगा, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर एन माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर एन और एक्स के पावर माइनस वन लिख सकते हो, बेस टेन पावर है, मिलके यही बनने वाला है। हमने एक्स के पावर एन कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, एक्स के पावर माइनस वन बचा। चलो एक्स के पावर माइनस वन बचा, और क्या है, वाई तो हमारे पास है ही, एक्स के पावर माइनस वन का मतलब वन बाई एक्स, तो ये क्या बन गया, वाई बाई एक्स बन गया। अब देखो फंक्शन हमारा वाई बाई एक्स के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है, फिर क्या है, ए टू है, एक्स के पावर एन बाई टू है, तो एक्स के पावर एन बाई टू को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर, सॉरी, एक्स के पावर एन लिख सकते हो और एक्स के पावर माइनस टू लिख सकते हो, बेस सेम पावर एंड एक्स के पावर एन कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, एक्स के पावर माइनस टू बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो है ही, मतलब क्या, ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया। और ऐसे ही टर्म आगे बढ़ते रहेंगे सभी। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लास्ट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है, अकेला वाई के पावर एन है, वाई के पावर एन है, लेकिन वहां से भी हमने एक्स के पावर एन कॉमन निकाला है, तो कॉमन कैसे निकाला होगा, हमने एक्स के पावर एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया होगा उसके अंदर, तो ये ऊपर वाला कॉमन निकल गया, नीचे एक्स के पावर एन बचा हुआ है, मतलब क्या बचेगा, लास्ट टर्म प्लस ए के पावर एन वाई बाई एक्स होल पावर में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास पावर वाला फंडा था उसको बाहर निकाल लिया, एक्स के पावर एन यही हमारे पास पावर बताने वाला है, तो अब ये क्या बन गया, एक्स के पावर एन और सम फंक्शन ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, एफ वाई बाई एक्स के बराबर लिख लो। ठीक है, फिर हम बता देंगे कि ये कुछ वाई बाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, एक्स के पावर एन कैपिटल एफ वाई बाई एक्स, ठीक है, जहां पे वेयर एफ वाई बाई एक्स क्या है, वाई बाई एक्स के अंदर कुछ फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के बाद वाई बाई एक्स के अंदर कुछ फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ ए नॉट लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए नॉट वाई बाई एक्स के पावर जीरो लिख सकते हो, ये भी बन गया वाई बाई एक्स का, प्रॉब्लम क्लियर हो गया। चलो ठीक है, वेयर एफ बाई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, चलो तो स्टैंडर्ड आप बुक में देखोगे तो यही लिखा रहता है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है वो कितने के बराबर होता है, एक्स के पावर एन कैपिटल वाई बाई एक्स के बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर, जिसका डिग्री कितना है, एन के बराबर है। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब क्या करते हैं, डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं जो बुक में लिखा रहता है। ठीक है, चलो ऊपर का नोट कर लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा जगह बच रहा है, चलो हम होमोजीनियस के ऊपर ही डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या डेफिनेशन होता है, एक्स के पावर एन एफ वाई बाई एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन वट एवर द फंक्शन एफ में भी। ठीक है, वट एवर द फंक्शन कैपिटल एफ में भी। अब कैपिटल एफ कुछ भी हो जाए, अपने को उसको चेक ही नहीं करना है, अपने को सिर्फ इतना देखना है कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो बस पावर सेम होना चाहिए। अब फंक्शन कुछ भी हो जाए, अलग अलग हो जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ता, हम सब पे चेक कर लेंगे, पावर सेम होना चाहिए, और जो यहाँ पे पावर में होगा वही क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा उस होमोजेनियस फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स दे रखा है, तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, तो जिसका डिग्री कितने के बराबर है, टू के बराबर है, जिसका डिग्री
टू के बराबर है। यहाँ पर देखो ना, यही जो होता है यन का वैल्यू, यही क्या डिग्री बताता है ना, तो यही क्या हो गया, डिग्री हो गया और ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया। और चेक करना है और एग्जांपल लिखना है, लिख लो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कुछ टेन मान लो, और क्या वाई बाई एक्स मान लो, अभी भी क्या ये वो होमोजेनियस फंक्शन है। इसका डिग्री कितने के बराबर है, इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री कितने के बराबर है, एक्स के पावर जीरो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। इसका डिग्री कितने के बराबर है, डिग्री इसका जीरो के बराबर है। देखो जो आपका डिग्री होता है वो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिग्री के ऊपर ऐसा कोई बोला नहीं गया है कि वो हमेशा होल नंबर या इंटीग्रल रहना चाहिए, ऐसा कुछ उसके ऊपर बोला नहीं गया है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करके अलग से लिख सकते हो कि जो आपका डिग्री होता है, ठीक है, आप साथ साथ नोट करते रहा करो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। डिग्री होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसको आप क्या करो, नोट करो, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे आप एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन, एफ वाई बाई एक्स को एक होमोजीनियस फंक्शन बोल रहे हो एक्स और वाई का, वैसे ही हम क्या वाई के पावर एन को भी हम आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी एक्स के पावर एन होता है तो ये जो कैपिटल एफ के साथ यक्स होता है वो नीचे होता है, क्या बोला, ऊपर का थोड़ा सा हटाने दो, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि यफ यक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यक्स के पावर यन है, तो यफ के साथ यक्स क्या होगा, हमेशा ही नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है यक्स और वाई के अंदर, जिसका डिग्री एन के बराबर है। तो अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो अगर हम ऐसा बोले यफ यक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई के पावर यन यफ और क्या यक्स अपन वाई, तो ये भी तो एक होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए यक्स और वाई का, जिसका डिग्री एन के बराबर है। कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे यक्स के पावर एन, भाई यहाँ पे यक्स क्या चला गया, नीचे चला गया, तो वाई के पावर एन, वाई कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन ही है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है यार। आप यक्स और वाई को कहीं में भी रख सकते हो, उसने अब स्टार्ट में ही बोल दिया ना कि फंक्शन वट एवर फंक्शन में भी, फंक्शन कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, पावर सेम है, मतलब होमोजेनियस है, पावर ही क्या बन गया, डिग्री के बराबर बन गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। जैसे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है वाई क्यूब कोसेक यक्स अपन वाई दे रखा है, तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, जिसका डिग्री कितने के बराबर है, थ्री के बराबर है। तो कोई भी ऐसा बोला नहीं गया कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो वो हमेशा ही इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। दोनों बुक वालों ने दोनों टर्म दे रखा है कि अगर ऐसा होमोजीनियस फंक्शन होता है तो ऐसा भी होमोजीनियस फंक्शन डेफिनेटली प्रेजेंट होना भी चाहिए और होता भी है। ये बात क्लियर हो गया। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि कोई भी फंक्शन है होमोजीनियस है या नहीं है, इसका पता कैसे चला, पता कैसे करें। पहला तरीका क्या है, सभी टर्म को ओपन करके लिख लो और क्या करो, उनका पावर चेक करो। लेकिन हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सीरीज इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो बार बार पावर को चेक करना कि हाँ एक्स के पावर एन माइनस वन को एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर माइनस वन के बराबर लिख सकते हैं, फिर एन माइनस वन क्या बोलते हैं एक्स के पावर एन को कॉमन करके निकाल सकते हैं, हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टेस्ट फॉर अ गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट, ठीक है। कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है उसके लिए टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट टू नो वट एवर एवर अ गिवन फंक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट, इज होमोजेनियस और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन f x कॉमा y दे रखा है, तो हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस f x कॉमा y के अंदर x की जगह t x और y की जगह t y पुट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, f x की जगह क्या रखा, t x रखा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, t x, y की जगह क्या रखा, t y रखा, तो क्या बन जाएगा, t y। अगर इसको सॉल्व करने पे हमारे पास टी के पावर एन एफ वाई बाई सॉरी एक्स कॉमा वाई आता है, एक्स कॉमा वाई आता है, अगर ये बराबर आता है तो ये जो आपका स्टार्टिंग में एफ एक्स कॉमा वाई था, ये क्या एक होमोजेनियस फंक्शन है, इसका डिग्री यहां से मिल जाएगा। क्या बोला, थोड़ा सा फिर से सुन लो, हमने क्या बोला, कोई भी फंक्शन है x कॉमा वाई, ये होमोजेनियस है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या करो, आप इसके अंदर x की जगह t x, y की जगह t y रखो, फिर क्या करो, इसका वैल्यू फाइंड करो। इसका वैल्यू अगर इतने के बराबर आ जाता है, t के पावर n या y बाई x के बराबर आ जाता है, तो ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, जिसका डिग्री यहां से पता चलेगा, ठीक है। क्या करते हैं, दो तीन एग्जाम्पल है उन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक है तो उसके ऊपर एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए, ठीक है।
जैसे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, यफ यक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स वाई दे रखा है। अब चेक करो ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे यफ टी एक्स कॉमा टी वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करो, यक्स की जगह टी एक्स, मतलब क्या टी एक्स का स्क्वायर माइनस टू यक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रखेंगे। किसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस टू, टी यहाँ पे टी, यहाँ पे टी स्क्वायर यक्स वाई हो गया। टी स्क्वायर को कॉमन कर लो, टी स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा, यक्स स्क्वायर माइनस के टू यक्स वाई बचा। और यक्स स्क्वायर माइनस के टू यक्स वाई क्या है, यफ वाई बाई यक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर यफ सॉरी वाई बाई यक्स नहीं, यक्स कॉमा वाई है, यक्स कॉमा वाई है। तब ये क्या बन गया, स्टार्ट किया था यहाँ से, इसके अंदर टी एक्स टी वाई किया और मिल गया यहाँ पे। तो यही तो हमने बोला था कि होमोजीनियस का कंडीशन है कि यफ एक्स कॉमा वाई के अंदर अगर आप यफ टी एक्स कॉमा टी वाई का वैल्यू निकालते हैं, अगर वो टी के पावर एन यफ एक्स कॉमा वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री यहाँ से पता चलेगा। तो इसका डिग्री कितना है, टू के बराबर। इसका डिग्री कितना है, टू के बराबर। डिग्री कितना है, टू के बराबर। ऐसे बोल दो या देख के बोल दो ना भाई, एक्स के पावर टू है, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर वन होमोजीनियस तो है ही, दोनों जगह क्या है, पावर सेम है और पावर कितना है, टू है। तो डिग्री क्या हो गया, टू हो गया। चलो इसको नोट कर लो, थोड़ा सा देखे भाई तुम चार्ज हो या नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, एक मिनट। चलो इतना तो चार्ज बचा हुआ है कि ये टॉपिक पूरा किया जा सकता है। इसको नोट किया कि नहीं, नहीं किया होगा तो पीछे जाके कर लेना, ठीक है। एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इस बार यफ यक्स कॉमा वाई इक्वल टू दे रखा है यक्स क्यूब प्लस टू यक्स स्क्वायर वाई माइनस के थ्री यक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड को, आंख में अगर पसीना चले जाए तो ऐसा लगता है किसी ने डेगी मिर्च का तड़का मार दिया। चलो तो अब क्या करते हैं, पहले होमोजीनियस चेक करना है या नहीं है। तो देखने से तो लग ही रहा है कि हाँ होमोजीनियस है, थ्री 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 थ्री, लेकिन एक तरीका होता है ना भाई। अब मेकअप तो घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड नहीं, लड़की थी, वो बोली कि प्रोफेशनल मेकअप का क्या बोलते हैं तरीका होता है, वो वही लोग जानते हैं, मेकअप तो घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो वैसे ये भी होता है, होमोजीनियस से पता तो चल ही जाता है, लेकिन तरीका होता है भाई। चलो ठीक है, तो ये अब टी एक्स कॉमा टी वाई की बात करते हैं। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे टी एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस टू टी एक्स का स्क्वायर टी वाई हो जाएगा माइनस थ्री टी एक्स और क्या टी वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी वाई का क्यूब हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्या यहाँ से टी क्यूब अलग किया जा सकता है, एक्स क्यूब अलग किया जा सकता है, प्लस टू तो है ही, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पे टी है तो टी क्यूब कर लो, एक्स वाई कर लो, माइनस थ्री टी यहाँ पे है, एक्स है, टी स्क्वायर है तो टी क्यूब हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस टी क्यूब और वाई क्यूब हो सकता है, हो सकता है। तो टी क्यूब को हर जगह से कॉमन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो ये बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब यही है क्या हमारे पास, यफ एक्स कॉमा वाई है तो टी क्यूब यफ एक्स कॉमा वाई बन गया, वही बन गया, वही है ना, हाँ सब चीज़ें वही हैं। तो ये क्या बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया जिसका डिग्री कितना है, टी के पावर क्यूब, मतलब इसका डिग्री कितना है, थ्री के बराबर है। चलो अब इसको नोट कर लो, इस पर कोई बात बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट जनरली पूछता भी नहीं है, बस अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कम ही चांसेस में ऐसा होता है, स्कूल में अगर कोई, सॉरी स्कूल नहीं, अब आगे बढ़े हैं भाई, कॉलेज में आ गए, कॉलेज में अगर कोई इंटरनल एग्जाम होता है तो उसमें पूछ सकता है कि अप्लाई टेस्ट टू टेस्ट वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट, अदरवाइज क्या बोलते हैं, बोर्ड में तो पूछता नहीं है शायद कभी ये टॉपिक, ठीक है। चलो पूछ लिया तो भाई अच्छा ही रहेगा, क्या दिक्कत है, छोटा सा टॉपिक है, दो तीन नंबर मिल जाएंगे गरीब को, ठीक है। चलो तो एक थ्योरम है इसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है तो उसका डिग्री के ऊपर, ठीक है। चलो तो थ्योरम क्या है उसको लिख लिया जाए, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो। थ्योरम क्या है, हाँ चलो नोट करो, थ्योरम नंबर, इफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन, यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, कोई भी U दे रखा है, U क्या है, यही है भाई। चल ठीक, अब क्लियर हो गया ना, अब ठीक है। U क्या है, कोई F X कमा Y ही है, उसको कंप्रेस करके U बोल दिया, ठीक है। U की जब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन देन डी यू बाई डी एक्स
डी यू लिखेंगे, डेल यू लिखेंगे, क्योंकि देखो पार्शियल पढ़ रहे हैं तो डेल का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है चलो, डे यू अपॉन डेल एक्स एंड डे यू अपॉन डेल वाई इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन। यहाँ पे डिग्री एन नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री एन माइनस वन होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि यू अगर होमोजीनियस फंक्शन है किसका, डिग्री एन का, तो डे यू अपॉन डेल एक्स डे यू अपॉन डेल वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री एन का कि एन माइनस वन का, तो एन माइनस वन का होगा। अब इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है तो यू क्या दे रखा है, एक होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है। ठीक है तो देखो हमने क्या माना था कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एन और कैपिटल एफ वाई बाई एक्स के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है चलो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू कुछ क्या दे रखा है, एक्स के पावर एन और एफ वाई बाई एक्स दे रखा है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले हमको क्या चाहिए, डे यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इस u को क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने u को ऐसा कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री कितना, n के बराबर क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब इसको क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर वन बना लो और इक्वेशन नंबर वन को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डे यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है u और v, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले क्या करते हैं, f y by x को बाहर कर लेते हैं, x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस वन आएगा, प्लस x के पावर n को बाहर कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे दे रखा है e के पावर x दे रखा है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। लेकिन अगर दे रखा है आप डिफरेंशिएट करो e के पावर mx का, तो पहले हम क्या बोलते हैं, मान लो कि e के पावर mx ही है, मानने में बहुत आगे हैं। ठीक है तो e के पावर mx फिर क्या करता है, mx को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, तो mx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन m आता है। वैसे ही क्या करेंगे, f y by x को पहले मान लेते हैं कुछ भी है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, कैपिटल f y by x आ गया, कैपिटल f y बाई एक्स डैश आ गया। आपको भी मालूम है डिफरेंशिएशन को मैं डैश लगा के डिफरेंशिएट डिनोट करते हैं भाई। अब क्या करते हैं, जिसको माना था उसको क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट कर लो। जिसको माना था mx को माना था कि x के बराबर है, उसको डिफरेंशिएट किया तो यम आ गया। अब y बाई एक्स को माना था, इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शली डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल गया, माइनस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये y तो बाहर का है ही। ठीक है बस कुछ करना नहीं है भाई, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है और पावर को कॉमन निकालना है। ठीक है चलो तो देखो यहाँ पे पावर कितना है, n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ, चलो पावर बाहर निकाल लिया ना, तो x के पावर n माइनस वन को कॉमन कर लिया दोनों साइड से। अब यहाँ से कॉमन कैसे हुआ देख लो उसको भी, चलो इसको क्या लिख लो आप, n x के पावर n माइनस वन है, एफ y बाई एक्स है, प्लस x के पावर n यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, माइनस y बाई एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर लो, यहाँ से एक x निकाल के यहाँ पे बिठा दो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, x है ना, x के नीचे एक यहाँ से स्क्वायर था, वहां से एक x यहाँ पे ला दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x के पावर n माइनस वन ही ना बन जाने वाला है, तो अब तो कॉमन निकल सकता है ना, अब कॉमन निकल गया, चल ठीक है, x के पावर n माइनस वन कॉमन निकाले तो क्या बचा, n f y बाई एक्स बचा, प्लस x के पावर n माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, माइनस के y बाई एक्स और f डैश y बाई एक्स बचा। तो देखो कुछ वजह ऐसा दिख रहा है, जैसा हमने वहां पे बोला था कि कुछ x के पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n माइनस वन इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, कोई y बाई एक्स का फंक्शन है तो बाहर में x के पावर में जो होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है, तो डे यू अपन डेल एक्स क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन भी हो गया। उसका डिग्री कैसे पता चल गया, डिग्री यहाँ से पता चल गया, डिग्री कहाँ से पता चल गया, डिग्री यहाँ से, डिग्री n माइनस वन है, डिग्री n माइनस वन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा सोच लो, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है, चेक भी करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डिग्री कितना है n माइनस वन, यहाँ पे देख रहे हो डिग्री कितना है n माइनस वन, डिग्री दोनों साइड क्या है, बराबर है, मतलब क्या होमोजीनियस फंक्शन है, तो वही क्या कर लिया, कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या हो गया, n माइनस वन, तो डे यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसका डिग्री कितना हो गया, n के बराबर, धूमता था, इसको नोट करो।
नेक्स्ट बात करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई के बारे में। पहले क्या करो, इसको अच्छे से टीप लो, छाप लो, जो करना है तो करो, लेकिन इसको नोट करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, डे यू अपॉन डेल वाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करो, इसको नीचे नोट करो, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, ठीक है, एक मिनट। माइक पास में ही लगा है, हो सकता है पानी पीने का आवाज आ गया हो, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए डे यू अपॉन डेल वाई के बारे में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको ही रहने देते हैं, यू एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसको हमने इतने के बराबर लिख लिया है, एक्स के पावर एन या वाई बाई एक्स के बराबर, जहाँ पे यू क्या होमोजीनियस फंक्शन है और एक्स वाई का जिसका डिग्री एन के बराबर है। तो इस बार क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन को वाई के रिस्पेक्ट में पास ली दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के पावर n क्या होगा, कॉन्स्टेंट रीट हो जाने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, ये x के पावर n को ही बाहर कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या आएगा, डैश y बाई x आएगा, फिर y बाई x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 1 बाई एक्स क्या हो जाने वाला है, बाहर हो जाने वाला है, डे बाई डेल वाई अब वाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब सिंपली क्या बचा, 1 बाई एक्स बचा, प्लस इस बार क्या करेंगे, ये आप वाई बाई एक्स को बाहर रखेंगे। अब x के पावर n को डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि x के पावर n को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, मतलब ये क्या मिल गया, जीरो, मतलब सिर्फ क्या बचा, ये बचा। तो यहाँ पे x के पावर में n माइनस वन हो जाने वाला है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n माइनस वन f डैश y बाई एक्स, मतलब क्या, x के पावर n माइनस वन इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तब क्या हो गया भाई, डिग्री n माइनस वन हो गया, मतलब क्या, यही क्या हो गया, डिग्री नहीं, पावर, x का पावर कितना हो गया, n माइनस वन हो गया, मतलब यही क्या हो गया, डिग्री हो गया, किसका, डे यू अपॉन डेल वाई का। तो डे यू अपॉन डेल वाई होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे डिग्री कितना है, पावर कितना है, n माइनस वन है, और दूसरे वाले टर्म में जीरो हो गया था, तो उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, एक टर्म दिया है, एक ही में चेक करेंगे, अब दूसरे का चेक ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पावर है वही क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो डी यू अपॉन डेल वाई भी क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, जिसका डिग्री कितना हो गया भाई साहब, डिग्री हो गया एन के बराबर। फोन ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, लेकिन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन के अंदर बस इतना ही पढ़ना है भाई, ठीक है, 11 मिनट 5 सेकंड। चलो ठीक है, हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूलर्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। जैसा हम अभी क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे कि कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है यू, तो फिर क्या करते हैं हम, अगर हमको कोई मान लेते हैं दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई दे रखा है, तो अगर हमसे एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू पूछ लेता है, तो हम क्या करते हैं, डे यू अपान डेल एक्स निकालते हैं, फिर डे यू अपान डेल वाई निकालते हैं, फिर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तब रिजल्ट मिलता है। यूलर्स ने क्या कर लिया, इसको सॉर्ट कर दिया, बोला अगर हमारे पास एक्स, अगर हमारे पास कोई यू एक होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई के अंदर जिसका डिग्री एन के बराबर है, तो एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई एन यू के बराबर होता है। बस यही होता है यूलर्स थ्योरम, नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले, तब तक के लिए थैंक यू।